आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्विक रेसिपी पनीर सैंडविच की, जो कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी बच्चों को टिफिन में बहुत काम आएगा और बहुत ही आसान है। और पनीर के जो बेनिफिट्स हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि ये कैल्शियम से भरपूर होता है, इसमें मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, और ये जो शुगर पेशेंट है उन लोगों के लिए भी ये बहुत यूज़फुल होता है। ये स्पेशली जो वेजिटेरियन होते हैं उन लोगों के लिए ये हाईली प्रोटीन रिच सोर्स है, इसमें फैटी एसिड्स बहुत सारा है। और सबसे बड़ी बात कि ये बच्चों को बहुत पसंद आता है पनीर, कैसे भी खिला दीजिए, लेकिन मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में हमारे पास टाइम कम होता है, लॉट्स ऑफ वर्क होता है, तो उसमें ये वाली रेसिपी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो ये है पनीर, ये मैंने घर पे ही निकाला हुआ है। तो सबसे पहले हम इस पनीर को ग्रेट कर लेते हैं। घर का पनीर है तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि कैसा दूध है क्या है। आप लोग घर पे भी पनीर बना सकते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारे आइडियाज लगाते हैं, कुछ लोग नींबू डाल के करते हैं, सिट्रिक एसिड डालते हैं, टार्टरी डालते हैं, विनेगर डालते हैं। तो मैं विनेगर से दूध को फाड़ती हूँ और उसके बाद इसको टांग देती हूँ जब तक कि पूरा पानी इसका नहीं निकल जाता। तो देखिए, मैंने सारे इस पनीर को ग्रेट कर लिया है और आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही मीठा है और सबसे बड़ी बात ये घर का बना हुआ है। तो अब हम इसमें जो बच्चों को पसंद है, ये देखिए, ये है मेरे पास पिज़्ज़ा स्पाइस मिक्स, तो ये डाल देंगे। ये मेरे पास एवरेस्ट का है, आपके पास जो हो वो डाल सकते हैं। ये है मेरे पास, सॉरी गिर गया, चिली फ्लेक्स, ये देखिए चिली फ्लेक्स, आप अपने अकॉर्डिंग डालिए, अगर आपके बच्चे खाते हैं तो डालिए, नहीं तो मत डालिए। तो मेरे यहाँ तो बच्चे थोड़े बड़े हैं तो उन लोगों को ये अच्छा लगता है। उसके बाद ये है मेरे पास मिक्स हर्ब्स। हर्ब्स जो है हमारे डाइट में, इंडियन डाइट में नहीं यूज होता है, जो बाहर वाले हर्ब्स हैं, जो अपने इंडियन हर्ब्स हैं वो तो यूज़ होते ही हैं, तो इसी बहाने ये वाले जो हर्ब्स हैं वो भी थाइम और रोजमेरी रेगुलर टच में नहीं होता है, तो इस ये भी हमने डाल दिया। खुशबू ही इसकी अभी जो है वो पिज़्ज़ा जैसी आ रही है, बच्चे बहुत ही शौक से खाएंगे। और थोड़ा सा नमक, बस यही तीन चार इंग्रेडिएंट्स हैं। हाँ, अब इसमें आप वैरायटी कर सकते हैं, इसमें आप चीज़ डाल सकते हैं, लेकिन मैं चीज़ नहीं डालूंगी। मुझे जो है वो रियल इसका टेस्ट चाहिए पनीर का, क्योंकि हर चीज़ में चीज़ मिला देने से एक्चुअल जो टेस्ट है वो नहीं आ पाता है। तो इस तरीके से हम ये सारा बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। क्विक रेसिपी है, जल्दी से बन जाएगी। अच्छा, ये एक काम तो मैंने ग्रेट जो मैंने अभी किया है वो आप रात में ही करके फ्रिज में रख सकते हैं, तो इससे भी आपका टाइम सेव हो सकता है। ये सारा मिक्सअप करके नमक ना मिला के आप तब भी रख सकती हैं, तो उससे भी हमारा टाइम सेविंग हो जाता है, क्योंकि बहुत रश रहता है, बहुत सारा काम रहता है मॉर्निंग में, बच्चों को तैयार भी करना होता है, सारी चीज़ों को रखना होता है। तो चलिए सबसे पहले बेस तैयार कर लेते हैं जो कि हम ब्रेड में लगाएंगे। तो ये मैंने टमाटो सॉस लिया है और ये नीचे मेयोनीज लिया है, तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसका बहुत ही एक अच्छा टेस्ट आता है। इसको बढ़िया से हम फेंट लेंगे। तो देखिए, टोस्टर मैंने पहले से लगा दिया है ताकि ये फटाफट से गर्म हो जाए, और इधर हम लोग जो है अब सैंडविच को की तैयारी कर लेते हैं। तो ये जो हमने बेस बनाया है उसको सबसे पहले हम इसमें लगा देंगे, बहुत ही एक डिफरेंट सा टेस्ट आता है टमाटो सॉस और मेयोनीज को मिला के। हम लोग बचपन में जो मलाई मम्मी रखती थी उसमें ये टमाटो सॉस को मिला के
और फिर हम लोग सैंडविच बनाते थे। तो मलाई के जगह मैंने मेयोनीज यूज़ किया है, क्योंकि बच्चों को इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बच्चे ही क्यों, बड़ों को भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए, ये मैंने लगा दिया है। अब इसके बाद जो हमने पनीर की फिलिंग बनाई थी वो हम डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी सा ये सैंडविच बनके तैयार होगा और आपको रियल टेस्ट आएगा पनीर का। अब आप इस वाली ब्रेड पे भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, लेकिन मैं एक बार लगा दे रही हूँ। ये सैंडविच जो है वो प्रोटीन रिच भी है, क्योंकि इसमें पनीर है। आप इसको टोस्टर में टोस्ट करके भी खा सकते हैं, ग्रिल करके भी खा सकते हैं, और ऐसे भी खा सकते हैं। तो ये देखिए, अब मैंने इसको इस तरीके से अच्छे से हल्का सा प्रेस कर दिया है, और इधर मेरा जो है वो ग्रिल भी गर्म हो गया है। तो हम हल्का सा इसको ग्रीस कर देंगे और इसको डाल देंगे। अब वेट करेंगे 2 to 3 मिनट्स और हमारा सिंपल पनीर सैंडविच बनके तैयार हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए, हमारा पनीर सैंडविच बनके रेडी है। अब मैं आपको इसकी प्लेटिंग दिखाती हूँ। तो ये मेरा लंच बॉक्स तैयार हो गया है, पनीर सैंडविच विद मैंगो स्लाइसेस, क्योंकि अभी ये सीजनल है और मैं हमेशा कहती हूँ कि सीजनल फूड्स जरूर से खाने चाहिए। तो आप लोग एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख के बताइए कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, और अगर पसंद आता है तो क्या करना है। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वो भी मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।